अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है तो इंसानों का नंबर पहला आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबको जिंदा रहने के लिए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। हम इंसान भी उन्हीं में से एक हैं। कुछ इंसान तो खाने के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि वे सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। दुनिया भर के लोग खाने को टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए ना जाने क्या क्या फूड इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन क्या होगा यदि हमें एक दिन बिना नमक के खाना पड़े। हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में लोग खास पर्व त्योहार में नमक खाना छोड़ देते हैं, लेकिन नमक के बिना ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। ये तो सबको पता है कि नमक सागरों और महासागरों से निकलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सागरों और महासागरों में नमक कहाँ से आता है? समुद्रों का पानी इतना नमकीन होता है कि इसे सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं पिया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको और ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगा। ये नमकीन पानी हमारे शरीर में मौजूद पानी को और भी तेजी के साथ डिहाइड्रेट कर देता है। यदि यकीन ना हो तो नमक घोलकर पानी पीजिए, फिर देखिए आपको कितना जल्दी जल्दी प्यास लगेगा। हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। बाकी के 2% हिस्सा बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है और 1% मात्र पानी हमारे इस्तेमाल के लायक है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 500 मीटर ऊंची हो जाएगी। दरअसल समुद्र में नमक आने के 2 स्रोत है। समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है, क्योंकि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जब बारिश होती है तब वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। जब यह पानी चट्टानों पर पड़ती है तब उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाला आयन नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं। यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। इसके अलावा समुद्रों में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है, जो समुद्र तल से मिलने वाले गर्म जलीय द्रव्य हैं। ये खास द्रव्य समुद्र में हर जगह से नहीं आते, बल्कि उन्हीं छेदों और दरारों से आते हैं जिनका पृथ्वी के अंदरूनी सतहों से संपर्क होता है। इन छेदों और दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी के अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। महासागरों और समुद्रों के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के आयन होते हैं। ये दोनों आयन मिलकर महासागरों में घुले आयनों का 85% हिस्सा बनाते हैं। इनके अलावा 10% हिस्सा मैग्नीशियम और सल्फेट के, बाकी आयनों की मात्रा बहुत कम होती है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि समुद्रों के पानी में खारापन या लवणता एक समान नहीं होता है। तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के कारण अलग अलग जगहों पर खारापन कम ज्यादा होता है। दुनिया में डेड सी का जल सबसे ज्यादा खारा है। इसके कारण डेड सी में कोई भी इंसान डूबने के बजाय सतह पर तैरने लगता है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के पास के इलाकों में खारापन की मात्रा बहुत कम, इसके अलावा बाकी के जगह पर खारापन बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसे ही मजेदार जानकारी पाने के लिए हमारे कीमती ज्ञान फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।